दोस्तों गोविंदा का कहना है कि माधुरी दीक्षित उनकी पसंदीदा अदाकारा में से एक है और अगर वो शादीशुदा न होते तो माधुरी की ओर उनकी नजर जरूर हो जाती। जल्द ही गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में गोविंदा ने बीबीसी से बात की और कहा कि आज के दौर में अच्छी अदाकाराएं कम ही देखने को मिलती हैं। गोविंदा ने कहा कि नीलम, करिश्मा, जूही चावला, रवीना टंडन मेरी पसंदीदा कलाकार हैं। इनके साथ मैंने आधा दर्जन फिल्में की हैं, जो अपने समय में काफी हिट रही है। माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो पक्का उधर देखता। आज के दौर में इतनी अच्छी हीरोइन देखने को कहां मिलती है। गोविंदा और माधुरी ने बड़े मियां छोटे मियां और पाप का अंत जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। गोविंदा की इस लिस्ट में दिव्या भारती और श्रीदेवी का नाम भी शामिल है। गोविंदा का कहना है कि एक बार मैं लंदन में शो कर रहा था और श्रीदेवी ने मुझे बुलाया और फिर रात को हमने रिहर्सल की। उन्होंने कहा वो मुझसे डांस स्टेप सीखना चाहती है। उनका पूरा परिवार वहां था और मैं खुश था कि श्रीदेवी को कुछ डांस के बारे में बता रहा था। एक लंबा अरसा फिल्म जगत में गुजार चुके गोविंदा को आज भी लगता है कि उनको स्टारडम का सुख भोगने को नहीं मिला। वो कहते हैं मैं स्टारडम भोगना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरे भाग्य में ये ना हो, वरना फिल्म लाइन में मेरे 4-5 दोस्त होते, फिल्म लाइन में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। मुझे अगर प्रोफेशनल तौर पर कोई कलाकार पसंद है तो वो है सलमान खान। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपनी फिल्म सफर के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने अपनी पहली तनख्वाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा जब मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली तो मैंने उससे माँ के लिए साड़ी और चैन ली थी। मैं अपने गुरुजी से मिला था और फिर मंदिर और मस्जिद भी गया। रंगीला राजा का निर्देशन पहलाज निहाली ने किया है। इल्जाम, आंखें, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में पहलाज और गोविंदा ने एक साथ काम किया है। कलाकार निर्देशक की ये जोड़ी रंगीला राजा के साथ एक बार फिर पर्दे पर वापसी कर रही है, जिसमें गोविंदा डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में शक्ति कपूर, मिशिका चौरसिया, अनुपमा अग्निहोत्री, दिगांगना सूर्यवंशी भी मुख्य भूमिका में नजर आएगी।